असलम टुडे वी आर गोइंग टू डू द केमिस्ट्री पार्ट वन आइसोमेरिजम और इसके अंदर हम सेंध बोर्ड और फेडरल बोर्ड दोनों का पोर्शन इंक्लूड करेंगे अलॉन्ग विद दिस वी विल डू द टाइप्स और उन सब टाइप्स के एग्जाम्पल्स इन डिटेल और इन देंड आई विल ऑल्सो शेयर द शॉर्ट ट्रेक्स फॉर द एम सी क्यूज़ और एम सी क्यूज़ भी हम बीच बीच में इनशाला डिस्कस करते रहेंगे बताया आइसोमेरिज्म का जो लफ्ज़ है वो आइसोमर से आया है एंड वॉट इज आइसोमर जब आपका सेम मोलिकुलर फार्मूला होता है सेम मोलिकुलर फार्मूला बट यू हैव अ डिफरेंट स्ट्रक्चुरल फार्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चुर फार्मूला अब वॉट इज द स्ट्रक्चरल फार्मूला व्हाट इज़ द मॉलिकुलर फार्मूला मॉलिकुलर फार्मूला क्या होता है जो कॉम्पैक्ट फॉर्म में होता है जैसे आपको पता है कि मिथेन का क्या होता है सी एच फोर ठीक है अभी इसी को अगर हम खोल के लिखेंगे तो ये स्ट्रक्चर फार्मूला बन जाएगा जैसे कार्बन के साथ चार कार्बन के पास चार वैकेंसीज होती हैं तो हाइड्रोजन चार तरफ लगेगा तो अब ये क्या हुआ है खुल के लग गया तो दिस इज़ वट स्ट्रक्चरल फार्मूला एंड वन ऑफ दैम इज दिस इज़ द मोलिकुलर वन दिस इज़ द मोलिकुलर वन एंड दिस इज द स्ट्रक्चरल वन रखनी है कि आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि आपका मोलिकुलर uh, फार्मूला हमेशा सेम रहता है चाहे कोई भी टाइप्स हो क्योंकि इसके पास बहुत सारी टाइप्स हैं कोई भी टाइप हो लेकिन उसका मोलिकुलर फार्मूला हमेशा सेम रहता है जबकि स्ट्रक्चरल फार्मूला बताएं तो इट्स ऑलवेज डिफरेंट नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टाइप्स सो बेसिकली वी हैव टू टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म वन इज स्ट्रक्चरल फार्मूला स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म अदर इज़ स्टीरियो आइसोमेरिज्म तो अब क्या डिफरेंस है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म इनकी फर्दर मोर टाइप्स भी हैं पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता क्या है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है कि जब आपका सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला इसके अंदर भी लगेगा लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा स्ट्रक्चर क्या होगा आपका डिफरेंट होगा जबकि स्टेरियो में क्या डिफरेंट होगा ऑरियंटेशन डिफरेंट होगी इसकी जो भी सारी टाइप्स होंगी स्टेरियो के उन सब में ऑरिएटेशन डिफरेंट होगी अच्छा अगर आप लोग सिंध बोर्ड हम लोग क्योंकि फॉलो कर रहे होते हैं फॉर कराची और सिंध बोर्ड के एग्जाम्स के लिए तो उसके अंदर आपने एक चीज़ देखी होगी सिंध बोर्ड के अंदर स्टेरियो का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है और स्ट्रक्चर के भी कुछ पार्ट्स का कॉन्सेप्ट है और बाकी सबका नहीं है लाइक टोटो नहीं है जबकि पेपर में आता है तो इसलिए हम सब डिस्कस करेंगे ताकि पेपर के वो सारे एम सी क्यूज कवर हो सकें ओके सो so, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या डिफ़ाइन करता है स्ट्रक्चर को जबकि स्टीरियो क्या डिफ़ाइन करते हैं ओरिएंटेशन को अब ओरिएंटेशन क्या होता है टू डी और थ्री डी शेप्स वगैरह को अभी हम आगे डिस्कस करेंगे टाइप्स को तो आपको और डिटेल में समझ आ जाएगा टू तो राइट देयर टाइप्स के क्या क्या टाइप्स हैं स्ट्रक्चर की हमारे पास आती है चेन आइसोमेरिज्म चेन आइसोमेरिज्म एंड देन वी हैव आइसोमेरिज्म आइसोमरिज्म वी हैव फंक्शनल आइसोमरिज्म एंड देन वी हैव टोटोमेरिज्म आपके सिन बोर्ड के अंदर टोटोमैरिज्म का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है लेकिन एम सी क्यूज पेपर में आते हैं सो वी हैव टू डू क्योंकि फेडरल बोर्ड के कुछ टॉपिक जो करने हैं ना तो वो मैं आपको साथ साथ ही करा दूँगी ताकि आप लोगों का सब कवर हो जाए ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल चेन की स्ट्रक्चर की हमारे पास कितनी टाइप्स हो गई फाइव टाइप्स जो कि हम डिटेल में करेंगे विद एग्जाम्पल्स एंड स्टेरियो की हमारे पास दो टाइप्स आती हैं एक होती है जोमेट्रिक और दूसरी होती है ऑप्टिकल जीमेट्रिक की फ़र्दर मोर दो टाइप्स आती हैं एक होती है सेस और एक होती है ट्रांस तो ये दोनों इंशाल्लाह हम दोनों हम लोग डिस्कस करेंगे आगे ओके सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टाइप्स अब इस इन सब को इन डिटेल डिस्कस कर लेते हैं विद एग्जांपल ओके सो वी हैव द चेन आइसोमेरिज्म व्हाट इज़ चेन आइसोमेरिज्म वेन एवर वी आर गोइंग टू सी द चेन चेन आइसोमेरिज्म में क्या होता है क्योंकि आपने क्या बोला था आइसोमेरिज्म का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है लेकिन अब चेन की बात करें इसका मतलब है कि चेन आइसोमेरिज्म में क्या क्या डिफरेंस है इसके पास डिफरेंट कार्बन की चेन्स होती हैं ठीक तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा डिफरेंट कार्बन चेन वी हैव अ डिफरेंट कार्बन चेन ठीक अब चेन आइसोमेरिज्म में क्या है कार्बन चेन डिफरेंट होगी लेकिन उसके अंदर जो कार्बन होंगे जो हाइड्रोजन का नंबर होगा वो सेम होगा अब एग्जांपल देख लेते हैं किस तरह से हम ये बात को डिफ़ाइन कर रहे हैं इफ़ यू कैन सी द एग्जांपल आपके पास एग्जांपल के अंदर क्या है पेंटेन ये एक बिल्कुल स्ट्रेट चेन है पेंटेन बिल्कुल स्ट्रेट चेन है अगर आप इधर देख सकें तो यहाँ पर क्या है एक ब्रांच निकल रही है दिस इज़ द ब्रांच एक ब्रांच जबकि पांच कार्बन है तो पेंटेन इसके अंदर भी पांच कार्बन है तो ये भी पेंटेन होगा लेकिन कैसा पेंटेन होगा आइसो पेंटेन जब भी एक ब्रांच निकलती है तो उसको कहते हैं आइसो पेंटेन जब भी दो ब्रांच निकलती हैं वन ब्रांच ये और अदर वन दिस जब भी दो ब्रांच निकलती है तो इसे क्या कहते हैं न्यू पेंटेन जबकि ये चीज़ क्या है आपके पास एक स्ट्रेट चेन है जिसके बेसिस पे आप इसको आई पैक अगर नेमिंग देंगे तो वो डिफरेंट होगा लेकिन अगर हम आयू पैक की जगह कॉमन नेमिंग देते हैं तो ये क्या होगा न्यू पेंटेन न्यू का क्या मतलब है आपके पास दो ब्रांचिंग निकल रहे हैं अगर आप इस एग्ज़ाम्पल में देख सकें तो देखिए पेंटेन आइसो पेंटेन और न्यू पेंटेन इनका सब कुछ सेम है सिर्फ चेन डिफरेंट है ठीक सिर्फ चेन डिफरेंस है यानी कि चेन का डिफरेंट है डिफरेंस है उसके अलावा सब कुछ सेम है जब भी चेन का डिफरेंस होगा तो ये क्या कहलाएगा चेन आइसोमेरिज्म नाउ लेट्स टॉक अबाउट फंक्शनल आइसोमेरिज्म नंबर टू इज़ फंक्शनल अब फंक्शनल आइसोमेरिज्म होता है जब आपके पास डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप लगते हैं कार्बन के साथ तो इसके अंदर ये पॉइंट लिख लीजिएगा कि वट इज़ फंक्शनल आइसोमेरिज्म वन एवर देर इज़ अ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप क्या है डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप ग्रुप लगेंगे डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप अब फंक्शनल ग्रुप क्या होता है वो देख लेते हैं सही फंक्शनल आइसोमेरिज्म जब आपके पास डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप लगेंगे अब फंक्शनल ग्रुप क्या होता है जैसे हमारे पास एल डी हाइट का ग्रुप होता है कीटोन का ग्रुप होता है ईथर का ग्रुप होता है इसी चैप्टर के अंदर इन द लास्ट हम फंक्शनल ग्रुप को भी डिस्कस करेंगे ठीक अब अगर फंक्शनल आइसोमेरिज्म को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि हमारे पास डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप रखता है एक चीज याद रखिएगा ये बुक में तो नहीं लिखा लेकिन एक की पॉइंट याद रखिएगा फंक्शनल आइसोम के बारे में के हमेशा याद रखिएगा ये चीज कि एल्कोहल जो होता है जब भी एल्कोहल होता है एल्कोहल हमेशा किसका आइसोमर है हमेशा ईथर का आइसोमर बनता है ठीक एल्कोहल इज द आइसोमर ऑफ ईथर वाइल एल्डिहाइड इज द आइसोमर ऑफ कीटोन एल किसका है कीटोन इसको लिख लीजिएगा ये बहुत मेन पॉइंट है एल किसका है कीटोन का अब एक चीज़ याद रखिएगा आपके पास कोई भी अगर एन सी क्यूज आते हैं तो सबसे पहले तो आप वो सारे ऑप्शन कट कर देंगे अगर उन्होंने आपको फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म दे के कोई एल का ग्रुप दिया हुआ है तो जो भी सारे ईथर आपके ऑप्शन में हो आप उन सबको कट कर देंगे उसके बाद आप सिर्फ वो ऑप्शन देखेंगे जिसके अंदर कीटोन का ग्रुप लगा होगा जहाँ पे भी कीटोन का ग्रुप होगा वही उसका आंसर होगा ईजी पीजी बस ये ट्रिक आपने याद रखनी है कि वेनेवर देयर इज़ एल डी हाइट तो फंक्शनल ग्रुप में हमेशा एल डी हाइड का आइसोमर कीटोन बना सकता है उसके अलावा कोई नहीं बना सकता क्योंकि एल डी हाइड और कीटोन दोनों का मोलिकुलर फार्मूला सेम हो सकता है और किसी का नहीं बाकी अल्कोहल और ईथर दोनों का मॉलिकुलर फार्मूला सेम हो सकता है क्योंकि ये दोनों आइसोमर हैं कैसे आइसोमर फंक्शनल आइसोमर ये बात आपकी बुक में नहीं लिखी हुई लेकिन ये फेडरल बोर्ड में लिखी हुई है तो इसलिए बताना ज़रूरी था ओके okay, सो so अब हम एग्जाम्पल को डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा अब देखिए हमारे पास क्या है कार्बन देख लेते हैं वन टू थ्री थ्री कार्बन है और इधर भी थ्री कार्बन है हाइड्रोजन देखें हाइड्रोजन भी बिल्कुल बराबर होंगे ऑक्सीजन देखें बिल्कुल बराबर सब कुछ बिल्कुल सेम यानी मॉलिकुलर फार्मूला तो बिल्कुल ही सेम है क्या डिफरेंस है सिर्फ फंक्शन का डिफरेंस है अब फंक्शन का डिफरेंस देख लेते हैं ये देखिए ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है एल का ठीक है एल डी हाइड का है अब अगर आप ये देखते हैं तो ये किस चीज़ का लगा हुआ है कीटोन का अभी अभी मैंने आपको एक बात बताई थी याद कि याद रखिएगा कि एल्डिहाइड कीटोन का आइसोमर हो सकता है एल्डिहाइड डी एल्कोहल का आइसोमर कभी नहीं हो सकता ईथर का ईथर कब का, का भी एल्डिहाइड कभी नहीं हो सकता ईथर का एल्कोहल ही होगा अब ये देखिए ये प्रोपेल मतलब एल्डिहाइड है और ये क्या है प्रोपेन मतलब कीटोन का ग्रुप है एल्डिहाइड एंड कीटोन हैंड्स प्रूफ कि एल कीटोन का होता है और ईथर का अल्कोहल होता है तो ये बात आपको अगर याद हो गई है तो आपका एम आराम से फंक्शनल ग्रुप वाला हो जाएगा उसके बाद डिस्कस कर लेते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या होता है कि जब हमारे पास फंक्शनल ग्रुप हैव अ डिफरेंट पोजीशन इन द कार्बन अब इसका क्या मतलब है कि फंक्शनल ग्रुप इज़ द सेम एक चीज़ याद रखिएगा पोजीशन के अंदर क्या है फंक्शनल ग्रुप सेम व्हाट इज़ डिफरेंट देन डिफरेंट क्या है हमारे पास कार्बन का जो फंक्शनल ग्रुप की अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है सही पोजीशन डिफरेंट है फंक्शनल ग्रुप तो सेम है बट फंक्शनल ग्रुप पोजीशन इज़ डिफ़रेंट कि वो किस कार्बन पे है वो डिफरेंट है सही अब अगर हम डिस्कस कर लेते हैं ओके okay, अब हम डिस्कस कर लेते हैं एग्जांपल को क्लोरीन यहाँ पर क्या है बेसिकली हमारे पास एक फंक्शनल ग्रुप है एज अ फंक्शनल ग्रुप एक्ट कर रहा है थ्री कार्बन है थ्री कार्बन को प्रोपेन कहते हैं तो ये थ्री कार्बन एलिमेंट है और इसके अंदर क्लोरीन एज अ फंक्शनल ग्रुप है अगर आप देखें जहाँ पर भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं वहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं आयोपेक नेमिंग तो ये वन हो गया इसका मतलब है क्लोरीन वन कार्बन पे लगा हुआ है जबकि यहाँ पर आते हैं तो वन ये रहा तो ये टू है यहाँ पर टू पे लगा हुआ है इसका मतलब है इन दोनों में क्या डिफरेंस है सिर्फ पोजीशन का डिफरेंस है फंक्शनल ग्रुप सेम है एग्जैक्टली दे आर सेम सो वट इज द डिफरेंट डिफरेंट क्या है फंक्शनल ग्रुप पोजिशन आपने सिर्फ ये दो चीज़ें देखनी है फंक्शनल ग्रुप सेम है येस सेम है इसका मतलब पोजिशन है फंक्शनल ग्रुप का पोजिशन डिफरेंट है येस डिफरेंट है इसका मतलब ये कौन सा है पोजिशन आइसोमेरिज्म ओके नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अनदर वन दैट इज मेटामेरिज्म अच्छा इससे ना एन आते हैं तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि वॉट इज मैटामिज़म आइसोमेरिज्म इसके अंदर क्या होता है कि हमारा फंक्शनल ग्रुप तो सेम रहता है सही वी हैव द सेम फंक्शनल ग्रुप ये चीज़ लिख लीजिएगा वी हैव सेम फंक्शनल ग्रुप सो वॉट इज़ द डिफरेंट देन वी हैव अ डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ अल्काइल ग्रुप इसे लिख लें वी हैव अ डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ अल्काइल ग्रुप यानी कि हमारे पास फंक्शनल ग्रुप तो सेम है इधर वो हमारे पास कीटोन है एल है एल्कोहल है कुछ भी है वो सेम है लेकिन क्या डिफरेंट है अरेंजमेंट अरेंजमेंट ऑफ एल्काइल ग्रुप इज डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एल्काइल ग्रुप एल्काइल ग्रुप क्या होता है कोई भी ग्रुप सी एच थ्री का कोई भी आर ग्रुप ठीक है वो डिफरेंट है तो अब हम इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं कि क्या एग्जाम्पल है कैसे हम इसको प्रूव कर रहे हैं इन बातों को आप इसे लिख लीजिएगा अच्छा किस कैसे हम डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे पास मेटा मेरिजम प्रूफ हो रहा है देखिए आपके पास एक एग्जांपल है पेपर में एग्जांपल दे रहे होते हैं तो आप लोग तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा देखिए आपके पास क्या है ये पेंटेन टू वन यानी कि क्या है ये कीटोन का को कोई ग्रुप है जिसके पास अब आपने क्या देखना है सिर्फ एल्काई ग्रुप्स देखने हैं इसके इस तरफ देखें इसके दूसरी तरफ देखें ठीक अब इसके इस तरफ देखें इसके दूसरी तरफ देखें फंक्शनल ग्रुप सेम है यस फंक्शनल ग्रुप इज़ सेम फंक्शनल ग्रुप इज़ सेम इसका मतलब मेटामेरिज्म हो सकता है या तो पोजीशन हो सकता है क्योंकि दो ऐसे हैं जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप सेम होता है ओके okay. पोजीशन में क्या था कि हमारे पास डिफरेंट कार्बन पे लगता है कार्बन पे तो नहीं लगा हुआ ये ठीक ओके इसका मतलब पोजीशन नहीं है अब हम डिस्कस करते हैं मेटामेरिज्म है या नहीं देखें एल्काइल ग्रुप लगे हुए डिफरेंट ये कौन सा लगा हुआ है हमारे पास मिथाइल ग्रुप है एक तरफ और दूसरी तरफ क्या है प्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है प्रोपाइल मतलब थ्री कार्बन वाला सही अब अगर हम बात करते हैं नीचे वाले में तो दोनों के पास कौन सा ग्रुप लगा हुआ है मिथाइल ग्रुप सॉरी इथाइल ग्रुप लगा हुआ है दोनों के इधर भी इथाइल ग्रुप इधर भी इथाइल ग्रुप इसका ये मतलब हुआ कि ये दोनों में क्या डिफरेंस है सिर्फ अल्कल की अरेंजमेंट डिफरेंट है यानी जो अल्कयल का ग्रुप लग रहा है अल्काइल के ग्रुप क्या होते हैं मिथाइल भी हो सकता है इथाइल ब्यूटाइल प्रोपाइल कुछ भी हो सकता है वो डिफरेंट है कैसे डिफरेंट है यहाँ पे प्रोपाइल मिथाइल है यहाँ पे इथाइल इथाइल है दोनों डिफरेंट है ऐसा नहीं है कि यहाँ पे भी प्रोपाइल मिथाइल हो या फिर मिथाइल प्रोपाइल हो नहीं डिफरेंट आ रहा है कुछ डिफरेंट इथाइल इथाइल आ रहा है इसका क्या मतलब हो ये क्या है मेटामेरिज्म फंक्शनल ग्रुप इज़ सेम एंड वॉट इज़ द डिफरेंस डिफरेंस इज जस्ट द एल्काइल ग्रुप ओके सो द लास्ट वन इज़ टोटोमेरिज्म दिस इज़ द लास्ट वन फ्रॉम द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्योंकि पेपर में आता है बट आपके सिम बोर्ड की बुक में कहीं नहीं लिखा हुआ लेकिन आपके सिम बोर्ड की बुक के लास्ट चैप्टर के अंदर एक ज्विटर आइन का लिखा हुआ है तो दिस इज़ द एग्ज़ाम्पल ऑफ वट एग्ज़ाम्पल ऑफ टोटोमेरिज्म बट इन्होंने इतना डिटेल में उसको वहाँ पर नहीं लिखा कि वो टोटोमेरिजम है या नहीं बट इन्होंने ज्विटर आइन यानी कि अमाइनो एसड बना के उसके अंदर चेंजेस दिखाई हुई हैं तो क्योंकि दिखाई हुई हैं तो ये पेपर में पूछते हैं सो लेट्स टॉक अबाउट द टोटोमेरिज्मोटोमेरिज्म क्या होता है जिसका डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है ड्यू टू द शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन क्यों स्ट्रक्चर डिफरेंट है बिकॉज ऑफ द शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे ड्यू टू द शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ प्रोटोन प्रोटोन की शिफ्टिंग की वजह से अब वो देख लेते हैं कैसे मैं ड्यू टू द डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन ओके अब हम डिस्कस कर लेते हैं कैसे है प्रोटोन का और है? इसकी एक बेस्ट एग्जाम्पल आपकी बुक में दी हुई है जविटर आइन की यानी कि अमाइनो एसिड के अंदर जो भी चेंज हो रहा है उसको कहते हैं जविटर आइन तो यहाँ पर उसी के एग्जाम्पल लिख, लिखी लिखी हुई है अब यहाँ पर क्या है आपका मॉलिकुलर फार्मूला तो सेम है यानी कि नंबर ऑफ नाइट्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन कार्बन एवरीथिंग इज सेम इन बोथ व्हाट इज़ द डिफरेंट डिफरेंट इज़ जस्ट इन द के पोजीशन चेंज हो रही है किस तरह से प्रोटॉन एक दूसरे में शिफ्ट कर रहे हैं लेट्स टॉक अबाउट द एग्ज़ाम्पल हेयर यहाँ पर हमारे पास क्या है एन है एन ने अपना एक हाइड्रोजन और इसके पास सी डबल बॉन्ड ओ है ये जो हाइड्रोजन है ये यहाँ पर शिफ्ट हुआ ये क्या बन गया एन सही और यहाँ से इसने लूज कर दिया तो अब ये क्या हुआ ये एन एच टू बन गया एन एच थ्री जबकि यहाँ ये क्या बन गया सी डबल बॉन्ड ओ तो इन्होंने क्या किया अगर आप देखें दोनों आइसोमर में क्या डिफरेंस है दोनों का मोलिकुलर फार्मूला सेम एवरी थिंग इज सेम वट इज़ द डिफरेंस ऑनली द डिफरेंस इज़ के प्रोटोन की अरेंजमेंट हाइड्रोजन की अरेंजमेंट डिफरेंट है स्ट्रक्चर डिफरेंट है सो वेन एवर स्ट्रक्चर इज गोइंग टू बी डिफरेंट क्यों डिफरेंट हो और ड्यू टू द शिफ्टिंग ऑफ प्रोटोन सही यहाँ पे क्या हुआ है हाइड्रोजन इसने शिफ़्ट किया है ना सो so, इसने शिफ्ट किया तो ये क्या हो गया शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन जब भी प्रोटॉन शिफ्ट हो रहा है सो इट इज़ कॉल्ड एज टोटोमैरिज़म एंड द बेस्ट एग्जांपल ऑफ टोटोमैरिज्म इन योर बुक इज़ेटर आइन और द अमाइनो एसिड तो ये चीज़ याद रखिएगा कि बेस्ट एग्ज़ाम्पल क्या है जवेटर आइन अब इसको आप कहीं लिख लीजिएगा क्योंकि ये पेपर में आता है जीरो तो नाइन लिखा हुआ था और पूछते हैं कि बताएं कि इज इट इन द टोटोमेरिज्म स्ट्रक्चर आइसोमेरि चेन फंक्शनल ऑप्टिक और जोमेट्रिक तो आपको बताना होता है डायरेक्टली मार्क करना होता है टोटोमेरिज्म दैट्स इट ठीक है ये सब हमने क्या डिस्कस कर लिया स्ट्रक्चर आइसोमेरिजम के सारे पाँच पार्ट्स विद एग्जाम्पल डिस्कस कर लिया ऑल्सो द एम जो भी उसमें से निकल रहे होते हैं वो सब डिस्कस कर लिए और जो आपको मैंने uh, ट्रिक्स वगैरह थी कि एल हाइट के साथ कौन सा ग्रुप लगता है वो सब पेपर में आता है उसको आपने एक बार मेमोराइज़ करना अपने कहीं पर लिख लीजिएगा अब एक और चीज़ देख लेते हैं हम स्टेरियो आइसोमेरिज्म अब व्हाट इज़ द स्टेरियो देखिए मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया था कि व्हाट इज स्टेरियो वेन एवर इज़ आर डिफरेंस इन ऑरिएंटेशन जब भी मॉलिकुलर फार्मूला सेम है स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट है बट व्हाई इट्स डिफरेंट बिकॉज ऑफ द ऑरियनटेशन ठीक तो ऑरिएंटेशन क्या होता है टू और थ्री शेप्स सही ऑरिएशन अगर डिफरेंट होगा तो ये क्या होगा स्टीरियो आइसोमरिज्म इट हैव फर्दर टू टाइप्स वी विल डिस्कस अबाउट इट्स फर्दर टू टाइप्स इट हैव फर्दर मोर टू टाइप्स सो वट आर दो टाइप फर्स्ट इज ऑप्टिकल आइसोमरिज्म द अदर इज जोमेट्रिकल में हमेशा देखना है कि ऑप्टिक के पास दो कंडीशन को फॉलो करना है फर्स्ट इज दैट अगर ये दो कंडीशन फॉलो हो रही हैं तो समझ लें कि आपका क्या है ऑप्टिक है इट कंटेन कायरल कार्बन इट कंटेन कायरल कार्बन कायरल कार्बन ओके सो मोस्ट ऑफ यू डोंट नो अबाउट द कारल कार्बन तो कायरल कार्बन भी मैं डिस्कस कर लेती हूँ पहले आप लोगों को लिखवा देती हूँ कि क्या क्या चीज़ें कंडीशन देखनी होती हैं इट कंटेन कायरल कार्बन नंबर टू मिरर इमेजेस होती हैं ऑप्टिकल आइसोमिजमर ऑलवेज द मिररर इमेज वॉट एज मिर इमेज आई एम गेल यू द मिरर इमेजेज एज वेल

तो अगर हम इसके यही दो कंडीशन को देखें ये कंटेन कायरल कार्बन उसके पास कायरल कार्बन होना चाहिए और वो मिरर इमेजेस मिरर इमेजेस क्या होता है जैसे आप अपने आप को शीशे पे देखते हैं तो आपको कैसा नज़र आता है जैसे अगर आपका लेफ्ट होता है वो राइट right पे हो जाता है और राइट right वाली चीज़ लेफ्ट पे हो जाती है ऐसा ही होता है आपका राइट right वाला जो हैंड होता है वो जब आप मिरर में देखते हैं तो वो आपको लेफ्ट पे नजर आता है ठीक ऐसा ही होता है तो ये दोनों क्या होते हैं एक दूसरे के मिरर इमेजेस होते हैं कैसे और कारल कार्बन कारल कार्बन वो कार्बन होता है जिसके पास चार डिफरेंट ग्रुप्स लगे होते हैं चार डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स लेट्स सी दिस इज अ कार्बन एंड इट हैव फोर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स सो इट्स अ कारल कार्बन वन टू थ्री एंड फोर इसका मतलब ये क्या है कारल कार्बन वाली इसने कंडीशन फॉलो कर ली ओके सो द वट इज़ द नेक्स्ट वन कि इसका जो भी आइसोमर है वो कैसा होगा मिरर इमेज मिरर क्या होता है ये चीज़ तो सेम रहेगी मिरर पे उल्टा तो नहीं हो जाएगा ना सिर्फ क्या चीज़ डिफरेंट होती है राइट right, लेफ्ट में आ जाएगा लेफ्ट राइट यानी कि ये वाली चीज़ इधर आएगी और ये वाली इधर आएगी ऐसा ही होता है मिरर इमेज बन रही हैं तो दिस इज़ नॉन एज कारल कार्बन एंड मिरर इमेजेस जिसके अंदर भी कारल कार्बन या मिरर इमेजेस होंगे वो क्या चीज़ें ऑप्टिकल आइसोमेरिजम सो हैंड्स प्रूफ इट्स ऑप्टिकल आइसोमेरिजम And this is the of और वो दोनों हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम साइड पे सो दिस इज दस अगर हमारे पास दो अपोजिट साइड पे है लाइक ट्रांस ट्रांस क्या होते हैं ऑपोजिट हाइड्रोजन हाइड्रोजन अपोजिट साइड पे है सो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ़ ट्रांस आइसोमेरिज़म ये बात याद रखिएगा दो फंक्शनल ग्रुप ऐसे ज़रूर होंगे जो आपके पास सेम होंगे सो so, दो टू फंक्शनल ग्रुप शुड बी सेम तो वेनएवर इस तरह की कंडीशन आपके पास होगी कि दो फंक्शनल ग्रुप होंगे और डबल बॉन्ड होगी तो आप याद रखिएगा कि वो सेस या ट्रांस की कंडीशन में आती है सेस मतलब सेम एंड ट्रांस मीन डिफरेंट सो दिस इज़ अबाउट द जोमेट्रिक आइसोमेरिज्म सो यहाँ तक हमारा पूरा कवर हो चुका है नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द शॉर्ट ट्रैक्स फॉर आइसोमेरिजम टॉपिक बिफर रिवाइजिंग द शॉर्ट ट्रैक्स सबसे पहले हम हाँ एक बार ओवरव्यू कर लेते जो जो हमने पढ़ा है सो so बेसिकली मैंने आपको ये बताया था आइसोमेरिज़म क्या होते जिसके पास सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला होता है उसकी दो टाइप्स बताई थी एक स्ट्रक्चर और एक स्टेरो स्ट्रक्चर के अंदर पाँच टाइप्स थी स्टेरियो के अंदर दो टाइप्स थी कौन सी दो ज्योमेट्रिक एंड ऑप्टिक्स ज्योमेट्रिक के पास फर्दर दो टाइप्स थी ट्रांस एंड सेस ट्रांस क्या बताया था आपको अपोजिट साइड पे दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं सेम और सेस क्या बताया था जब आपके पास सेम साइड पे दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं हमारे पास स्ट्रक्चर के अंदर पाँच आते हैं चेन पोजीशन फंक्शनल ग्रुप मेटामैरिजम एंड टोटोमेरिज़म ठीक अब फंक्शनल क्या होता है डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप अटैच होते हैं इसके अंदर मैंने आपको बताया था याद रखिएगा अल्कोहल इथर से ज़रूर लिंक करता है एल्डिहाइड की टॉन से लिंक करता है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चीज़ को लिख लीजिएगा पोजीशन आई के अंदर बताया था कि फंक्शनल ग्रुप सेम होता है सिर्फ पोजिशन डिफरेंट होती है यानी अल्काइल ग्रुप के अंदर कौन से कार्बन पे लग रहे हैं जैसे कार्बन वन पे लगा हुआ था दूसरे पे टू पे लग रहा है तो सब कुछ सेम है सिर्फ इसकी क्या डिफरेंट है पोजिशन पहले वन पे लग रहा था फिर टू पे लग रहा है तो इसको पोजिशन आइसोमर कहेंगे देन वी हैव मेटामैरिज्म मैटामिजम में इस हमेशा याद रखिएगा फंक्शनल ग्रुप सेम होते हैं जस्ट एल्काइल ग्रुप की अरेंजमेंट डिफरेंट होती है एक तरफ मिथाइल ग्रुप है और प्रोपाइल ग्रुप है तो जो अगला आइसोमर होगा उसके पास मिथाइल और प्रोपाइल नहीं कुछ और होगा तो उसके पास क्या है इथाइल और इथाइल है तो इसे मेटामोरिज्म कहेंगे व्हाट इज टोटोमेरिज्म जब आपके पास टोटोमेरिजम के अंदर स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होता है क्यों क्योंकि प्रोटॉन शिफ्ट कर रहे होते हैं जुटर इसकी एग्जांपल बताई थी याद रखिएगा जुटराइन या माइनो एसिड फिर स्टेरियो आइसोमर क्या होता है जिसके अंदर ऑरिएंटेशन डिफरेंट होती है अब उसके अंदर ऑप्टिकल आइसोमर मैंने आपको बता दिया है कायरल कार्बन होता है मेरर इमेजेज़ होते हैं एक दूसरे के यानी कि एक दूसरे को जैसे हम शीशे पर खड़े होकर देखते हैं एक दूसरे को वैसा ही यहाँ पर भी दिख रहा होता है उसके बाद आपके साथ मैंने जोमेट्रिक आइसोमर डिफाइन किया था व्हाट इज जोमेट्रिक जब आपके पास डबल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा होता है और डबल बॉन्ड में दो फंक्शनल ग्रुप सेम होते हैं जैसा कि आपने इसके अंदर देखा सिस का मतलब सेम इसके एस से याद रख लें निमोनिकस सेम एंड ट्रांस मीन्स ऑपोजिट ये देखें ऑपोजिट साइड पे हैं और ये सेम से, तो इज ट्रांस एंड इस, 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 इस अब हम डिस्कस कर लेते हैं शॉर्ट ट्रिक्स जो कि आइसो मेरिजम के टॉपिक से पेपर में आती है और आपको आपके पास इतना टाइम नहीं होता एमडी कैट के अंदर कि आप बैठ के उसकी कैलकुलेशन करें कि कितने आइसोमर बन रहे हैं तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक्स है वो मैं आपसे डिस्कस करने लगी हूँ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द शॉर्ट ट्रिक्स फॉर द आइसोमेरिज्म पेपर में क्या आता है क्वेश्चन आता है कि पॉसिबल आइसोमर ऑफ पेंटेन कितने होंगे तो अब आप पेंटेन आपके पता है पेंटेन क्या होता है पांच कार्बन चेन को कहते हैं सही पांच कार्बन चेन अब कौन इतनी देर बैठेगा कि इसको यहाँ पर लगाए एक बार दो बार यहाँ इसको आइसो बनाए न्यू बनाए इतना टाइम नहीं होता पेपर में तो हाँ मैं आपको सिंपली एक शॉर्ट फार्मूला बताऊँगी जिसके अंदर आप पुट करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा तो वन कार्बन से लेकर सेवन कार्बन तक होता है आपको ये फार्मूला उसके लिए याद रखना है टू एन माइनस फोर प्लस वन ठीक अब ये कैसे देखिए अगर आपके पास कितने कार्बन वाला है मैंने आपको बोला पेंटेन एग्जाम्पल दी थी पेंटेन आपके पास क्वेश्चन ये आता है पेपर में कि ये बताएं कि हाउ मेनी पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ़ पेंटेन देयर इज़ आपके पास ऑप्शन आते हैं थ्री फाइव फोर और सिक्स तो हाउ वुड यू नो देर इज़ नो मच टाइम कि आप उसको बनाएं और इस तरह करें तो आपने क्या करना है ये फार्मूला सिर्फ याद रखना है टू एन माइनस फोर प्लस वन अब ये जो एन है ना ये नंबर ऑफ़ कार्बन है एन इज़ कार्बन अब आपको मैंने पेंटेन पेंटेन में कितने कार्बन होते हैं फाइव इधर फाइव रखें सिर्फ अब टू फाइव माइनस फोर प्लस वन ये इसके पावर है फाइव माइनस फोर क्या होगा वन तो यानी कि टू की पावर वन प्लस वन टू की पावर वन तो टू ही होता है तो टू प्लस वन इसका मतलब क्या आंसर है थ्री अब आप इसका आंसर निकाल लीजिएगा खुद ही बना के तो आपको देखेंगे कि पॉसिबल आइसोमर पेंटेन के कितने हैं थ्री ही हैं कौन कौन से हैं नियो है आइसो है और एन पेंटेन इसके अलावा नियो पेंटेन तो सिंपली आपने ये फार्मूला पुट करना है आंसर आ जाएगा लेकिन याद रखना है वन टेल सेवन कार्बन ही होने चाहिए उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए ठीक ये फार्मूला एक था वन टेल सेवन कार्बन के लिए एक और फार्मूला बता देती हूँ जो कि उसके बाद तक के कार्बन जैसे आ रहे होते, है, होते हैं उनके लिए होता है अगर आपके पास एट आ जाता है लाइक अगर एट आइसोमर और एट कार्बन है कार्बन को देखेंगे इसका फार्मूला क्या बन रहा होता है टू एन माइनस फोर वहाँ पर प्लस वन लिया था प्लस टू लेंगे किसके लिए एट कार्बन के लिए नाइन के लिए क्या करेंगे टू एन माइनस फोर सेम बिल्कुल बस प्लस थ्री कर देंगे तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि ये सब जो मैंने आपको बताया है ये किसके लिए है एल्केन्स के लिए यानी कि पेंटेन अगर आपको अगर वो एक कोई भी फॉर्मूला दे देते हैं कि हाँ बताएं हैगजें का क्या है हैपटेन का तो आपको ये सब कुछ पता होना चाहिए कि ये फार्मूलाज आपको याद होने चाहिए टू एन माइनस फोर प्लस वन है किसके लिए वन से लेकर सेवन कार्बन एल्केन के लिए एट के लिए क्या है टू वन माइनस फोर प्लस टू नाइन के लिए क्या है टू वन माइनस फोर प्लस थ्री ये शॉर्ट ट्रिक्स थी तो ये चीज़ आप बिल्कुल फिंगर टिप पे याद रखिएगा बहुत सारे ऐसी ऐसे आते हैं कि कायरल कार्बन होता है बोलते हैं कि बताएं विच इज़ द कारल कार्बन तो याद रखिएगा वट इज़ कायरल कार्बन डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप एक जगह एच है एक जगह ओ एच है एक जगह क्लोरन है एक जगह कुछ और है सी डबल बॉन्ड ओ एच है मतलब डिफरेंट डिफरेंट कार्बन चेन पे डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप के अटैचमेंट को क्या कहते हैं कायरल कार्बन इधर सी डबल बॉन्ड ओ एच है तो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप अटैच है तो दिस इज कॉल्ड एज अ कायरल कार्बन तो दिस इज ऑल अबाउट आइसोमेरिज्म चैप्टर अलाफ इंड